राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक आशीर्वाद को लेकर चर्चाएं तेज हो चली है। मोदी सरकार की सांसद जसकौर मीणा ने गहलोत सरकार के मंत्री परसादी लाल मीणा को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आशीर्वाद यानी समर्थन दे दिया है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। दरअसल लालसोट के डिडवाना गांव में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना के शिलान्यास समारोह के दौरान सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि भाई चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का कार्यकाल 1.5 साल का बचा हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाई को जिताने का आशीर्वाद देती हूं। आप भी सुनिए कि आखिर जसकौर मीणा ने परसादी लाल मीणा के लिए क्या कुछ कहा। उन्होंने संबोधित किया, मैं तहे दिल से उनको दीर्घायु और उन्नति की राह पर देखना चाहती हूं, लेकिन संकल्पबद्ध करना चाहती हूं कि विकास के मुद्दे पर हमारी दो राय ना हो। आज भाई परसादी लाल जी और मैं संयोग से दोनों का मंडावरी गांव, दोनों का ही मंडावरी गांव, और दोनों का मंडावरी गांव ही नहीं, ये लालसोट तहसील है। मेरी कर्मस्थली रही लालसोट, मेरी जन्मस्थली रही या मेरा अपना गांव रहा, तो इसके नाते आप हमें हमारी पहचान ना करें। हम मिलकर आपके विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ने वाले। आज जल जीवन मिशन के इस प्रारंभ कार्य में मैं एक ही बात आपसे कहूं कि 16,145 गांव को नल से जल मिलेगा इस स्कीम के तहत। 16,145, आप ये छोटा काम ना समझे। बजट भले ही इसमें 5,90,00,000 का था, लेकिन आपके कार्य का जो आदेश दिया है वो 5,34,00,000 का दिया है, क्योंकि जिस तरह की टेंडर प्रक्रिया होती है उसी के अनुरूप ये परियोजना प्रारंभ होगी। लेकिन नल से जल योजना का संकल्प भारत सरकार का भी है और क्रियान्विति राज्य सरकारों को करनी है अपने सहयोग से। केंद्र सरकार केवल राज्यों को अपना दिशा निर्देश, अपना बजट और अपना संकल्प और अपनी योजनाएं दोहराती है। क्रियान्विति करने का काम पूरे हिंदुस्तान में राज्यों का होता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जल हो, कृषि हो, या युवा शक्ति का निर्माण हो, या माता बहनों का कल्याण हो। ये सबका सब मैं आपको ये दोहराना चाहती हूँ कि क्रियान्विति राज्य सरकारों के हाथ है, और क्रियान्वित में हमारा आपका लाडला, आपका अपना चहेता, और आप देखिए कि जिस ईमान और धर्म से राजनीति को वरण करने वाला भाई परसादी लाल आपके बीच में। मैं अन्य जिलों में जाती हूँ, चाहे मैं अलवर जिले में जाऊं क्योंकि थानागाजी विधानसभा है, चाहे मैं जयपुर जिले में जाऊं वहां बस्सी और चाकसू है, और 5 विधानसभा मेरी दौसा जिले की। हर विधायक का, हर मंत्री का, हर नेता का विचार एक सा नहीं होता, वो सिर्फ उल्टे सीधे एक जूड़ी में जुड़े हुए बैलों को विपरीत दिशाओं में खींचने का काम करते हैं। इसी वजह से स्थानीय ग्रामवासियों को विकास का लाभ नहीं मिलता। हम सरपंचों को सहयोग करें, सरपंच आपने चुने, और सरपंचों के माध्यम से हम गांव के विकास की योजना बनाकर आगे बढ़ें। मैं आपको ये निवेदन करूं कि जन सहभागिता की जो कल्पना है वो सिर्फ इसलिए कि हम फ्री 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 सब शीत मात्र में मल रही हो जाए, सब शीत मात्र में मल रही हो जाए तो सारा ही दौड़ पड़े चोगे, लेकिन जब कण हमारा भी लग जाता है तो उस योजना पर हमारा अधिकार बन जाता है कि मैंने भी एक कण इसमें डाला है। भाई साहब ने जो बात कही कि हम राज्य सरकार 5% देती है, केंद्र सरकार 45% देती है और 45% भारत सरकार देती है, इसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना में 60-40 का रेशो है, लेकिन ये जल जीवन मिशन का वाकई में मैं जब गांव में जाती हूँ तो कई परिवारों के पास ये 2250 रुपए देने के लायक भी धन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में निसंदेह हमको ये 5% का जो अंशदान है, 10% का जो अंशदान है, इसको माफ करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, लेकिन विगत लोकसभा में मैंने इसको हाउस में उठा दिया था कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण में अधिकांश घर ऐसे हैं, बीपीएल को तो आप चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश घर ऐसे हैं कि जिनकी आय बहुत कम है। ऐसी स्थिति में नल से जल योजना प्राप्त करने के लिए ये 2,250 रुपए ये नहीं लिए जाए, ये मैंने लोकसभा में उठाया और ये तक कहा कि आप इस 10% को भारत सरकार वहन करे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में मंत्री जी के आ गई थी, और मैं उनको ये भी कहा कि मैं गांव में रहती हूँ, मैं शहर में नहीं रहती, मैं जयपुर की वासी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठेठ गांवड़े में रहती हूँ,
इसलिए उस गांव की हालात को, गांव के लोगों की आय को, गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि को भली प्रकार जानती हूँ। और महिलाओं के साथ जिस तरह से संकट है, वो पानी का संकट है। पुरुष भाई पानी नहीं भरते, ना ही पानी की व्यवस्था करते। एक केवल राजपूत समाज को मैं देखती हूँ कि आज तिगरिया में एक गांव है, महुआ तहसील में, तिगरिया में एक वोट तो कांग्रेस को मिला था और 467 वोट मुझे मिले थे, एक वोट कांग्रेस को मिला। मैं उस गांव में गई कि महुआ में मुझे वोट मिल जाए, ये कौन सा महात्मा का गांव आ गया भाई। मैं उस गांव में गई तो मुझे पता चला कि वो संपूर्ण गांव राजपूतों का था, दो चार परिवार उसमें ब्राह्मणों के थे। और आप ये देखो कि पुरुषों ने मुझे कंधे दिखाए कि मैडम हमारा कंधा दे, ई पे ठाट पड़ गई, बेंगी सु पानी लाता लाता। आप ये ताजुब करें कि उनको जब जल जीवन मिशन का कनेक्शन घर घर मिलेगा तो उनका कष्ट निवारण कितना होगा। ऐसा एक ही तिगरिया नहीं, दौसा संसदीय क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गांव हैं। और ये जल जीवन मिशन का 2019 से जो प्रारंभ किया काम, इसमें राज्यों की सरकारें, हमारी राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा पहल कर रही है। आज मैं सोचती हूँ कि 97 गांव अकेली विधानसभा लालसोट के, अकेली विधानसभा लालसोट के 97 गांव प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। और 125 करोड़ का धन इनको मिला है। और इस धन से मैं सोचती हूँ कि जो 205 गांव वंचित बता रहे हैं भाई साहब, उन गांवों को भी शीघ्र ही इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।